नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्रीता सबसे ज़्यादा टेंशन में नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों उसके बेटे के साथ में जो नशीला पदार्थ डाला गया है उसके प्रसाद में आप लोग जानते हैं कि पलकी भी वहाँ पर मौजूद है और राजवीर ने उसी प्रसाद को खाया है जिसमें नशीला पदार्थ शौर्य ने मिला के दिया है। क्योंकि दोस्तों इसमें हरकत शौर्य की ही नहीं है बल्कि काफ़ी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। आप लोग जानते हैं कि जल्दी ही कहानी में एक और भी नया टोस्ट आता हुआ नजर आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे गंदी हरकत जो कर रहा है वो शौर्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वो टास्क में जीत नहीं पाया था, उस टास्क में राजवीर जीता था और उसी चीज़ का पूर्ण रूप से बदला लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि समय कई और भी टोस्ट कहानी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है और राजवीर धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी परिवार के दिल में अपनी जगह बनाता हुआ ही नज़र आ रहा है। और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा अगर किसी को जलन है तो वो शौर्य को है और शौर्य हर तरीका से राजवीर की फजीयत कराना चाहता है, इसलिए शौर्य का अपना एक तरीका है, अपना एक ढंग है राजवीर को नीचा दिखाने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ये एक हकीकत है। लेकिन आखिरकार आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया टोस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है जब सृष्टि बताएगी कि हाँ शौर्य वो ही सब कुछ करेगा जो निधि बोलेगी, क्योंकि निधि का जो इस पर पूरी तरीका से सबक है। आप लोग जानते ही हैं कि मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने एक बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा।